पूरा एक बार में निकलता है, इतना पूरा एक बार में निकलता तो
केवल यही बननी थी, यहाँ नहीं बननी थी, यहाँ नहीं बननी थी, है ना। हम बता सकते कितनी बार घटना हुई है द्वारा व्यक्ति से आवाज निकलने की। तो वैसाइकल संयुक्त जो संरचना है उसे क्या करेंगे हम, वेसिकुलर, आगे हमने हिंदी ना स्फोट, स्फोट गढ़ती, गढ़ते हैं ना गड्ढे, गढ़ते हैं ना गड्ढे, स्फोट गढ़ती। अब यदि यहाँ से कोई विलयन बह रहा है, पानी बह रहा है जिसमें सॉल्ट है, लवण है कोई है, तो जाहिर है वो जो लवण है वो इसमें भर जाएंगे, ये कैविटीज भर जाएंगे। वो विलयन से जिसमें कोई सॉल्ट है तो वो सॉल्ट इसमें भरेगा, पानी वाष्पित हो जाएगा तो सॉल्ट भर जाएगा ना उसमें कैविटीज में। तो ये जो भरी हुई कैविटीज है, ये जो भरी हुई कैविटीज है इन्हें कहते हैं एमाइग्डेल, क्या कहते हैं इनको, एमाइग्डेल, भरी हुई कैविटीज। किससे भरेगी ये, सेकेंडरी मिनरल से, जो मिनरल जो बाद में बने हैं, जो लावा से नहीं बने बल्कि बाद में बने हैं, तो क्या कहलाते हैं वो खनिज जो बाद में बने हैं, लावा के बाद में बने हैं, सेकेंडरी द्वितीय खनिज। क्या होगा द्वितीय खनिजों में, आमतौर पर जियोलाइट होता है, कैल्साइट होता है, सिलिका होता है। क्या होगा इसमें, कैल्साइट होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें जियोलाइट मिलते हैं और उसमें सिलिका या क्वार्ट्ज मिलता है, सिलिका। आमतौर पर ये तीन ज्यादा होते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। तो ये जो भरी हुई जो कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं एमाइग्डेल्स, पर जिसमें भरी हुई कोशिकाएं हो उस संरचना को क्या कहेंगे हम, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जवाब लग रहा है अभी बोल रहे। क्या लिखा है बेटा, क्या नाम लिखा है, मैं उसी से पूछता हूँ जो सबसे बड़ा बकरा है। किसकी बात चल रही है, कोई यही बात, किसकी बात चल रही है, एमाइग्डेल जैसे वेसाइकल से बना वेसाइकुलर, तो एमाइग्डेल से क्या बनेगा, भरी हुई वेसाइकल हो, जिसमें भरी हुई गुहिका हो, जिसमें भरी हुई कैविटीज है, भरी किससे है, सेकेंडरी मिनरल से। सेकेंडरी मिनरल कौन से हो सकते हैं, कैल्साइट है, स्टिलाइट है, सिलिका के बहुत से रूप है, ये संरचना हो गई एमाइग्डेलॉइड। अब यदि लावा निकले तो जाहिर वो बहेगा इस तरह से, और फिर और लावा निकला जाए तो इसके ऊपर बहा और इसके ऊपर बना, देख रहे हैं कई परेशान व्यवस्था में जी मिलेगी। यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट पर दिखाएंगे साफ साफ इसको, ये जो है ये कैसा दिख रहा है, एक बॉडी कैसी दिख रही है, किलो जैसी, क्या कहते हैं उसको, सेक्स जैसी या बोलस्टर, इन सब का मतलब यही है। पीछे जो ड्राइंग रूम में गोल तकिए नहीं होते, गोल वाले जो पीछे पीठ टिका कर बैठते हैं बुढ़े लोग, ड्राइंग रूम में देखा ना गोल पिलो, उन गोल पिलो का क्या कहते हैं, बोलस्टर, क्या कहते हैं उनको, बोलस्टर या सेक्स है ना, कोरा एस ए सी के एस सेक्स है ना, एस ई एक्स भी बोल रहा हूँ, एस ए सी के एस सेक्स है कोरा, भरे हुए बोरे। तो लावा के इस तरह से भरे हुए बोरे जैसे या पिलो जैसे या बोलस्टर जैसे या मसनद, जानते हैं मसनद, इसको कहते हैं मसनद। आजकल बड़े जो ड्राइंग रूम होते हैं उसमें पीछे गोल तकिए लगाए जाते हैं, जानते हैं गोल, ऐसे गोल चपटे वाले नहीं, जो हम रात को सिर के नीचे लगाते हैं, गोल वाले लंबे होते हैं, सिर लंबे होते हैं और गोल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, तो क्या कहते हैं, बोलस्टर, हिंदी में कहते हैं मसनद। तो लावा के इस तरह के बोरे जैसे या पिलो जैसे बॉडीज या काया एक ऊपर एक मिलती हैं, तो इस संरचना को कहते हैं पिलो स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, पिलो, पिलो स्ट्रक्चर। कितनी मिलेगा ये लावा में, अच्छा ये दोनों सूक्ष्म संरचना है। इग्नियस रॉक्स में कभी कभी ऐसी गोल गोल बॉडीज मिलती हैं, अगर वो गोल गोल बॉडी उनकी आंतरिक संरचना संकेंद्रीय हो, खनिजों की आंतरिक संरचना संकेंद्रीय हो, तो इसको कहते हैं ऑर्बिकुलर, प्याज के छिलके जैसे, और अगर उनकी आंतरिक संरचना विकीर्ण हो,
की आंतरिक संरचना संकेंद्रीय होती है या प्याज के छिलके जैसी होती है उसको कहते हैं ऑरबिकुलर संरचना, और संकेंद्रीय न होकर वो विकीर्ण हो, रेडिएटिंग हो, तो वह ऐसे बॉडी को कहते हैं स्फेरोइडिक संरचना, और इन बॉडी को कहते हैं स्फेरोलाइट। स्फेरोलाइट स्फेरोलाइट से बना स्फेरोइडिक, ये ऐसी गोल गोल बॉडी को कहते हैं स्फेरोलाइट। तो ये हो गया, इसमें से मेरे से 5-7 सवाल मैं पूछ सकता हूँ, निम्न में से कौन सी संरचना आग्नेय है, कौन सी प्राथमिक अवसादी संरचना है, कौन सी अवसादी संरचना नहीं है, कौन सी आग्नेय संरचना नहीं है, कौन सी है, कौन सी नहीं है, है ना। यदि मुझे पूछना कि निम्न में से कौन सी अवसादी संरचना नहीं है, तो जाहिर है उसमें 3 अवसादी होंगी, 1 न होगी, है ना। निम्न में से कौन सी आग्नेय संरचना नहीं है, उसका मतलब उसमें 3 आग्नेय होंगी, वो 1 नहीं होगी। आगे संरचना कौन कौन सी है, अवसादी संरचना कौन कौन सी है।